नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रविंद्र है। आज 14 फरवरी 2022 का दिन है। दो दिन के बाद आज हमारे शेयर बाज़ार खुल रहे हैं। हमने दो दिन पहले एक पोल कंडक्ट किया था हमारे यूट्यूब चैनल पर कि निफ्टी 50 का रुझान कैसा रह सकता है, कैसा उसका डायरेक्शन रहेगा। तो सरप्राइजिंगली 48% लोगों ने कहा कि मार्केट बढ़कर खुलेगा और बढ़कर बंद होगा। 22% लोगों ने कहा कि मार्केट गिरकर खुलेगा और गिरकर बंद होगा। बाकी रिजल्ट आप देख सकते हैं। 15% लोग बोल रहे हैं कि बढ़कर खुलेगा गिरकर बंद होगा। 11% बोलते हैं गिरकर खुलेगा बढ़कर बंद होगा। और 4% बोलते हैं कि जैसा भी खुले उसी भाव पर बंद हो जाएगा। सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग करने वाली बात यह है कि 48% लोग, यानी आधे लोग मानते हैं लगभग कि मार्केट बढ़कर खुलेगा बढ़कर बंद होगा। मेरा व्यू इससे बिल्कुल अलग है। मेरा व्यू है कि मार्केट गिरकर खुलेगा और गिरकर बंद होगा। निफ्टी 50 की क्लोजिंग देखिए 17375 के आसपास यहाँ की क्लोजिंग हुई थी फ्राइडे को। निफ्टी का जो फ्यूचर्स है वो 17130 पर ट्रेड कर रहा है। लगभग 250 पॉइंट गैप डाउन का संकेत दे रहा है ये। करीब 250 पॉइंट की गिरावट निफ्टी 50 में देखने को मिल सकती है आज गैप डाउन ओपनिंग। इसका मुख्य कारण ये है कि यूक्रेन और रूस के बीच में जो टेंशन बढ़े हैं, पॉसिबली ऐसा संभावना जताई जा रही है कि रूस यूक्रेन को इन्वेड कर सकता है, ऐसा कुछ अमेरिकन ऑफिशल्स ने संकेत दिए हैं। तो उसको देखते हुए पूरे विश्व के शेयर बाज़ारों में अगर आप देखेंगे तो लालिमा छाई हुई है। पूरे विश्व के सभी शेयर बाज़ार अगर देखें, चाहे एशियाई बाज़ार देखें, चाहे यूरोपियन मार्केट देखें, चाहे अमेरिकन, सब 2-2.5% की रेंज में नीचे हैं। तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि हमारा एजेक्स निफ्टी का जो ट्रेंड है 17130 दिखा रहा है। तो निफ्टी यहाँ से लगभग 1.5% की गिरावट, यानी 250 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग के साथ खुले और मार्केट पर लगातार प्रेशर, सेलिंग प्रेशर बने रहने की संभावना है, क्योंकि LIC का IPO भी आने वाला है। तो बहुत सारे फंड अपनी होल्डिंग कम करेंगे। प्रेजेंटली इनकी जिन भी कंपनियों में होल्डिंग है वहाँ से कम कर उस फंड को LIC की तरफ ट्रांसफ़र करें। तो दोनों ही जो न्यूज़ है, LIC का IPO और रूस और यूक्रेन में जो टेंशन है, दोनों ही मार्केट में गिरावट के संकेत दे रही है। 250 पॉइंट की गैप डाउन के साथ निफ्टी 50 के खुलने की संभावना है। मार्केट कहाँ बंद होता है इसका एनालिसिस हम आज शाम को करेंगे। धन्यवाद।